जॉनथन मैंटी को स्प्रे देते हुए, और जॉनथन अगर स्प्रे देंगे तो इतना आसान नहीं हो गई ना यहाँ पर, वो हो सकता है कि मैंटी वहां पर निकालते नजर आ जाए, लेकिन अभी के लिए रोज भी स्पेस पे यहाँ पर जॉनथन इतनी लो एचपी के बावजूद भी यहाँ पर निकालेंगे, एंड एक और फ्रैग सुनिश्चित किया जाएगा 10 फ्रैग के साथ। ये थावा जो बोला गया था ओरिंगो 10 का सक्सेसफुल हुआ नहीं वहां पर फ्रैग निकालते हुए। मुझे पता नहीं क्यों गेम से फीलिंग आ रही है इस बार, दो टीम बड़ा धमाका करेगी, लेकिन धमाके की देख ली गई है, बट ओके ओके नियो के तेज नजर से कैसे बच पाएंगे, उन्होंने वो सुनिश्चित करा है। कहां से वो ग्रेनेड आता है सीधा पापन को नॉकआउट करेगा, बट जॉनथन देख लिए थे उन्होंने कहां से वो सोर्स निकलता है ग्रेनेड का, निकाला जरूर है, बट अभी भी काफी टीम्स ऐसी है जो नंबर्स इनके पास कम है, शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से फिलहाल के लिए गॉडलाइक यहां पर डोमिनेटिंग मोड में आ चुकी है। गेम तो कल के दिन पे भी नियो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, आज के दिन पे भी नियो काफी एक्सेप्शनल खेल रहे हैं, 6 फ्रैग्स खाते में थे बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश हो चुके हैं, लेकिन गॉडलाइक के ओवरऑल फ्रैग देखिए 14 फ्रैग्स इन द गले, लेफ्ट से ले गाड़ी है बग्गी लगी हुई, आओ सीधा मेरे पे आओ, मेरे पे आ गया आ गया आ गया, मेरे मतलब गुड गाड़ी, रोटेशन की जरूरत है, आदि को टेकडाउन करके शटडाउन कर दिया गया, लेकिन विकी के पास मौका था, स्प्रे फॉलो किया, एक टीम एरिको फॉरएवर जो काफी देर से, लेकिन बेचारा गिल अब उस तरीके से जिस तरह से पहले हुए थे वैसे ही नॉकआउट होते नजर आ जाएंगे, लेकिन विद द ग्रेनेड एंड देयर वी गो जॉनथन मैन विद द गोल्डन आर्म गेट्स वन फ्रैग, दलजीत का नॉक ये क्रूशियल हो सकता है, इसी बीच नेक्सस को भी टेक डाउन कर दिया गया है और दलजीत का कंफर्मेशन आ गया, नेक्सस का कंफर्मेशन मैच का को भी स्पॉट करके जॉनथन गेट्स द हैंड्स एट द जाड़ के पास सब्सक्राइब करो बे, नहीं तो फिर से गेम बैन होगी तू बोलना मैं।